इस भाई संस्था का फिर आगे आने वाला टाइम है, वो एक थ्री व्हीलर था उसका पाचा लेकर क्या था, बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा। वह अलग बात है, हल्का बरोध आला थ्री व्हीलर ट्रक को नहीं बनिया। शुरुआत करते फिर तो आप शुरू हो जाएंगे, वो नहीं करते बानी वाली बात है। बोले अच्छा, वो एक लाला जी थे उसकी छाती पर सांप लिख गया, बोले हाय मर गया हाय मर गया। बोले लाला जी क्या हो गया, लड़ा तो नहीं? बोले भराई तो गल गई, दोबारा फिर आओगा राय गाल देता। आमतनियों कहा भाई इसे डाल का हर गांव में इसी शुरुआत करी जावे, ताकि भाई गांव को निर्मल गांव, आदर्श गांव, श्रेष्ठ गांव, बढ़िया गांव, सुथरा गांव, सोना गांव बना जाए इसके। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर इस्टेम भाई हल्का बरोदा का छपरा गांव में पहुंचे। हाँ, और भाई सुथरा गांव वाला तो हमने जानकारी मिली है भाई, कई जिस तरह सामाजिक संस्थाएं आ गए भाई, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और भाई जिस तरह दिवाली का त्यौहार की भी बात करना था, उसके ऊपर भी एक संस्था ने बहुत बढ़िया काम कराया, तो हमने जानकारी मिली। और संस्था का नाम है भाई माँ लाडो देवी मेमोरियल ट्रस्ट। उसके क्या क्या काम हैं वो भी देखेंगे, और उसके जो संचालक हैं सतीश शर्मा उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि भाई दिवाली मनाने का जो एक त्यौहार, जो अपना जो त्यौहार है दिवाली, बहुत बड़ा त्यौहार है और उसको अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। लेकिन भाई अपना जो समृद्ध लोग हैं वह अपना घर में तो दिवाली मना ले हैं, लेकिन गरीब की दिवाली क्यों कर मनाया कर है, उसका क्या अंदाज होया कर है? तो भाई माँ लाडो देवी मेमोरियल ट्रस्ट है जो, उसके माध्यम से अरे एक बहुत अनोखा अंदाज में दिवाली मनाने का एक तरीका हमने जो जानकारी मिली, तो पूछेंगे क्या तरीका है, क्यों करके मामला है। हाँ जी, राम राम जी। वाह जी, सूत्रों वाले तो जानकारी सही थी हमारी, हैं थोड़ा ठाटू बोलते जी, राम राम जी। हाँ, इतना बढ़िया काम करे, आवाज फिर भी निकल दी, राम राम जी। सतीश जी, सतीश जी, अच्छा थोड़े 100 ग्राम चंगा छोड़ दे, 100 ग्राम नहीं, 200 ग्राम। हाँ, और जी क्या हाल चाल है? राम राम, राम राम जी सब दर्शकों ने, आपके जितने भी दर्शक हैं हरियाणा में, आपके दर्शक बहुत गणे हो रहे हैं, बिल्कुल उन्हें सबने राम राम। अच्छी बात, और भी गणे होने जी। मैं तो ये चाहूँ आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। धन्यवाद। अच्छा सतीश जी, हमने जानकारी मिली थी दिवाली का जो त्यौहार है, जिस तरह लोग अपने अपने घर में जो समृद्ध लोग हैं बहुत अनोखे अंदाज में, कितने जो है बम पटाखे बजावे, कितने फुलझड़ी, कितने मिठाई, लेकिन एक गरीब जीव अपनी दिवाली मनावे है, तो वो न्यू बाट देखा भी हम किस तरह दिवाली मनावा। तो हमने जो जानकारी मिली भाई, सतीश भाई ने एक ट्रस्ट बना रखे, उस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अनोखा अंदाज में गरीब बंगले मिलकर त्यौहार मनावे, क्या अंदाजा क्यों करके या प्रेरणा की मिली, क्या तरीका है? ऐसे ये मेरी माँ के नाम से मैंने ट्रस्ट बना रखी, मेरी माँ का नाम था लाडो देवी। अच्छा अच्छा, मन उसके नाम से ट्रस्ट बना रखी। अच्छा, है मैंने सोचा जिस तरह लाडो बेटी ने भी लाडो कह दिया, नहीं माले उसी से आता है, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या एक पंथ दो काज हो गए। मेरी माँ का नाम लाडो देवी था, और ठीक है ठीक है, तो मैंने वो 52 साल की गुजर गई थी और 8 भाई हैं। अच्छा अच्छा, तो मैंने सोचा कि हम इतने पढ़े लिखे और इतनी उसने हमारी वो करी, परवरिश करी मेरी माँ ने, तो हमने सोचा कि भाई मैंने सोचा उसके उसके लिए हमने कुछ करना चाहिए, बहुत बढ़िया, ताकि उसका भी नाम हो कहीं। तो मैंने अपने गांव से ये योजना शुरू करी है भाई, जो 70 साल से ऊपर वृद्ध हैं या बूढ़िया जो भी हैं, या फिर कोई विधवा ऐसी है जो जिसका कोई घर में सहारा नहीं है, या कोई अपंग हो गया है जैसे अधरंग वगैरह हो जाता है, तो ये उनके लिए मैंने योजना शुरू की है कि उनको कुछ सहारा मिल सके उस गरीब आदमी को। अच्छा सतीश जी, इसमें न्यू भी सुनने माई, जो बुजुर्ग हैं जो 70 साल तक ज्यादा के बुजुर्ग, उनकी 2000 रुपये सालाना पेंशन का भी कुछ प्रावधान दे रहे हैं? हाँ, वो 2000 रुपये सालाना पेंशन में सभी को, जो मेरे गांव के टोटल आदमी हैं जितने भी हैं बुजुर्ग, कोई भी हो चाहे किसी भी जाति का हो, हरिजन हो या बैकवर्ड हो या ब्राह्मण हो, बिल्कुल मैं सभी को देता हूँ पेंशन। ये तो 36 और हरिजनों में खासकर जो बेचारी कोई मान लो हमारे गांव का कोई लड़का गुजर गया जवान अवस्था में, तो मैंने हरिजनों में स्पेशल उन जो गरीब विधवा बेचारी है वो उसके गुजारा का कोई साधन नहीं है, तो उसके लिए भी शुरू की है मैंने। अब की बार मैं उनको भी दे रहा हूँ, वो जवान लड़की बेचारी किसी की लड़की है, तो ये सोचो मैं 2000 रुपये का कोई सहारा लग जाए उसके। और 5100 रुपये पेंशन शुरू कर रखी शगुन योजना, कन्या शगुन योजना, भाई को गरीब की जिसकी लड़की हो 5100 रुपये जितना हमारा साधन वो है उसका, उसको उसको सहारा लगा सको। तो जैसे हम छोटे छोटे थे तो एक गाना गुनगुना कर दे भाई, मैं से माँ मैं से ममता, माँ का कहना मान, अच्छी बातों का दे ज्ञान, माँ का कहना मान, तो वह कितने कितने वो पंक्ति आपके दिल में जो है घर कर गई। बिल्कुल है, की बात सही है। वो मेरी माँ मेरे को ये कहा करती कि बेटा तो जैसे कहीं भी कामयाब हो जाता तो कुछ सेवा करना लोगों की। लेकिन तो, सतीश भाई आज एक बहुत बड़ी समस्या मैं तेरे के लिए साझा करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह जब मान ले शादी हो जाए, शादी के बाद जो है जो बहू आवे जी परिवार में, तो माँ बाप को अवॉइड कर दिया जावे, उसके लिए भी कुछ आपका प्रयास है भाई ऐसे परिवारों को समझाना भाई वो कितनी जरूरी है माँ?
देखो मैं तो ये मानता हूँ माँ से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। हमें जैसे हम गांव में भी आते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी लोग जैसे जाते हैं, जहाँ तीर्थ स्थल वहाँ जाते हैं। मेरा तो ये कहना है कि माँ बाप से ज़्यादा कुछ नहीं है और सबसे ज़्यादा तो माँ ही है। अगर जो माँ की सेवा कर लेगा ना, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है संसार के अंदर। तो आज का जो ये प्रोग्राम है पूरे जैसे गांव के जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक बहुत अलग अंदाज में त्यौहार को मनाने का आपका जो तरीका है, इसमें क्या खास है? बस यही है भाई कि इन लोगों की दुआएं मिल जाएं। मैं तो और क्या है, कोई इनको थोड़ा एहसास हो जाए भाई हमारे को दुआ मिल जाए, इसलिए आशीर्वाद मिल जाए इनका। यानी पूरा गांव जो प्राचीन परंपरा कर दी अपनी, हाँ। भाई इकट्ठा होकर गांव हमारा आपस में जो त्यौहार का आनंद लिया कर दे, हाँ। वो अंदाज आड़ा देखने मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसीलिए मैंने आज ऐसे भी इकट्ठे किए थे। मैं कहा भाई आ जाओ, ये हमारा प्रोग्राम तो था दिवाली से पहले, लेकिन हमारे गाँव के अंदर कोई इनके दुर्घटना घटकी थी, आदमी एक्सपायर हो गया था, तो उस कारण मैं दिवाली से पहले नहीं कर पा। भाई अच्छा काम तो कदे कर लियो, इकट्ठे हो गए, खुशियाँ तो कदे भी मनाई जाए इसके। नहीं मैं तो इनका वैसे सिर्फ आशीर्वाद से इन लोगों का, और तो मैं कुछ कभी इनसे कुछ कहा नहीं ना, मैंने इतना बड़ा मैं यहाँ कोई राजनीति के हिसाब से कोई वो करता है। मैं तो इस प्रोग्राम अपने सिर्फ इनके आशीर्वाद के लिए, और एक किसी आदमी को एक सहारा मिल जाए जो बेचारा के ये सोचा भी कुछ काम चल जाए थोड़ा बहुत घर का। इस भाई संस्था का फिर आगे आने वाला टाइम में वो एक थ्री व्हीलर था, उसका पाचा लेकर क्या था, बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा, वह अलग बात है। हल्का बरोदाला थ्री व्हीलर ट्रक को नहीं बनिया लेकिन के लक्ष्य है आपका? नहीं मेरा तो लक्ष्य देखो सेवा करना है, मेन तो बात ये है सेवा करना है, क्योंकि मेरे पास दो लड़कियां हैं। एक तो मेरी लड़की डॉक्टर बनेगी है, दूसरी कनाडा गई हुई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो अब मेरा मेन मकसद सेवा का ही है भाई, जितने मेरा सामर्थ्य होगा। ये तो मैं कहता नहीं मैं पूरे इंडिया में बांट दूंगा या पूरे मैं विरोधी हल्का में बांट दूंगा, पूरा हरियाणा बांट दूंगा, लेकिन जितना मेरा सामर्थ्य बढ़ता जाएगा मैं बढ़ाता रहूंगा। और योजनाएं तो मेरी कई हैं इसकी, जैसे मैं सोच रहा हूँ भाई गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए, एक भाई हॉस्पिटल खोला जाए छोटा, जो जैसे ये हमारे गांव के अंदर सुविधा नहीं है हॉस्पिटलों की, तो क्या होता कि जो मैटरनिटी होता है टाइम का लेडीज का, तो काफ़ी बच्चे उनको दिक्कत होती है, बच्चा जब होता है उस टाइम डिलीवरी के टाइम पे तो दिक्कत होती है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा मैं सोच रहा कोई एम्बुलेंस ऐसी लगाई जाए, जच्चा और बच्चा उनको दोनों को सुरक्षा प्रदान हो जाए, दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, तो उसके हिसाब से मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहूँगा कि जब मेरा सामर्थ्य हो जाएगा। कुछ ऐसा कर कमाल मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि मैं तेरा हो जाऊँ, है तो काम के हो जाओ, कुछ ऐसा प्रयास चल जाए। हाँ बस ऐसा प्रयास चल जाए, बाकी देखो एक दो गांव वाले ना और पूछ लें कि साके मतलब जो आपका ताई राम राम, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दिया, राम 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 क्यों करके किसा के मतलब प्रोग्राम में किसा के मजा आया जना, बढ़िया आ गया, मैं तो मजा से यार जाका आ गया तुम्हें, हां अच्छा कि मीठा मुंह आया कि वो जीव जंतु ना ले जो कर बाल में मुंह सब उठा कर हो गया, मीठा मुंह ताप हो गया, हो गया इतना प्रोग्राम कर रहा है मीठा मुंह है क्या, के हो गया गीत क्या तो नहीं गाए कि मैं गीत गा लो, हैं गीत गाओ मेरे ब्लैक बोले अच्छा, वो एक लाला जी थे उसकी छाती पर सांप लिकट गया, बोले हाय मर गया, बोले लाला जी क्या हो गया, लड़ा तो नहीं, बोले राय तो गल गई दोबारा फिर आओगा राय गाल देता है। सतगुरु चिंता बुरी बलाए बता दे जागी क्या एता, सतगुरु चिंता बुरी बलाए बता दे जागी क्या, बता दे ओ जागी क्या बता दे ओ जागी क्या बता ब्याह करवाया गुण नहीं पाया सतगुरु चिंता बुरी बलाए बता
बात क्या तो भाई भाई कई डाल के मानस। हाँ जी आज और सीट पा जो के नाम आपका राजवीर कालसन। तो राजवीर जी क्यों करके किसान के प्रोग्राम के लगा प्रोग्राम ये शर्मा जी हैं हमारे सतीश जी ये अपनी माँ के नाम से लाडोनी मुझे आए साल ये करते हैं बढ़िया प्रोग्राम करते हैं आए साल करते हैं जो विधवा हैं ये जो 60 साल जो ऊपर है अनोखी शुरुआत है। हाँ नहीं नहीं अब की नहीं ये कई साल हो गए 5-6 साल हो गए नहीं नहीं आज नहीं बढ़ा ला तो कई साल से बढ़ा रहे नहीं इनका परिवार ऐसा है तो सारे भाई हम तो नहीं कहा भाई इसे डाल का हर गांव में इसी शुरुआत करी जावे ताकि भाई गांव को निर्मल गांव आदर्श गांव श्रेष्ठ गांव बढ़िया गांव सुथरा गांव सोना गांव बना जाए इसके। हाँ नहीं सुथरे काम कर भाई वो चलो ये तो सारे मिलकर करेंगे चलो। तो कुल मिला के बात यह है सारे मिलकर गांव वाले अगर बढ़िया काम की शुरुआत करें तो भाई गांव को श्रेष्ठ बना जा सके। जितेंद्र भाई जी तो जितेंद्र भाई धर्मो भाई आप सभी दर्शकों को राम 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 भाई राम राम। और जो ये जो सतीश भाई जो ये मुहिम छेड़े हुए हैं इन्होंने मेरे साथ चर्चा की अगर भाई साहब हम कुछ समाज में ऐसा करना चाहते हैं कि एक भाईचारा भी जुड़ा रहे और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाए और एक अच्छे कार्य का शुभ आरंभ हो है। तो भाई साहब से मैंने चर्चा करी हमने दोनों ने सलाह मिलाई आप भगवान ने आपको बहुत अच्छा परमात्मा ने आशीर्वाद दे रखा है भाई ईमानदारी से आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो अपना कारोबार अच्छा जमा रहे हो। तो मैंने कहा आप अपने जो आपका गांव है जो आपकी जन्म सथली है वहां से आप शुरुआत करिए और परमात्मा की दया से यहां से जो शुरुआत होती है जन्म सथली से और आगे चलकर आप अगले गांव में चलेंगे अपनी और फिर उससे अगले गांव में। तो ये मुहिम भगवान ने चाहा तो भाई को सहयोग के साथ है भाई सतीश जी ये अब यहाँ अपनी इसमें छपरा में ये जो इन्होंने अनोखी शुरुआत की है तो हम सिर्फ ये हमारे छपरा के गांव हमारी माताएं बैठी हैं हमारे दादा बैठे हैं ये सभी यही आशीर्वाद दें अगले साल हम एक गांव को और जोड़ें। बहुत बढ़िया। और जो जितने भी भाई हमारे ये चुनाव के दौरान आते हैं ना अगर ये सभी ये मुहिम चलाए ना एक तो हमारे समाज में जो बुराई है वो खत्म हो जाए। ये दारू पैसा ये तो सिर्फ आप समझो चुनाव के समय के 15 दिन की बात होती है लेकिन और नए शराब भी तैयार करते हैं वो शराब भी तैयार हो जाते हैं लेकिन 5 साल तक हमारे जितने भी भाई मान ले समाज सेवा करना चाहते हैं वो अपने अपने गाँव में ये मुहिम चलाए ना तो हमारा समाज जो पहले हमारे बुजुर्गों की जो इज्जत होती थी वे बच्चे हम करते थे तो वही परंपरा यहाँ चालू हो सकती है। और एक हमारा जो हरियाणा है ना एक हरियाणा नंबर 1 हरियाणवी एक वो हमारा बन सकता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया जितेंद्र भाई बहुत गजब की बात कह दी अरनू का आग्रह भाई दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। और भाई जो इलेक्शन के टाइम पर जो दारू बन रहे हैं और जो बालक शराब नहीं भी पींदे नहीं नए नए बालक शराब भी तैयार हो जाए हैं शर्मा जी बहुत दुख की बात है। तो ईसा करने की बजाय जो शर्मा जी ने जो मुहिम शुरू कर रखी है इसे डाल की मुहिम जाए हर गांव में शुरू हो जाए तो भाई हमारा हरियाणा की कायाकल्प हो जाए भाई। इसे बात पर ठोको शेर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय भारत।